नॉलेज ग्रिप के इस खास वीडियो क्लिप में आपका स्वागत है। अपने इन स्पेशल वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाई कोर्ट्स के रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, ऑर्डर्स और रूलिंग्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट रीसेंट फैसले को समझेंगे जो कि कॉल रिकॉर्डिंग्स के ऊपर दिया गया है। अपने इस फैसले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के कॉल को रिकॉर्ड करता है बिना उसके कंसेंट के, तो ये क्या है, उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। इट इज वॉयलेशन ऑफ हिज राइट टू प्राइवेसी। देखो, जब हम एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 को देखते हैं जो कि बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो इसमें एविडेंस को किस तरह से, एविडेंस के मीनिंग को किस तरह से इंटरप्रेट किया गया है, कहा गया है एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, पहला ओरल एविडेंसेस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या आएगा, कॉल रिकॉर्डिंग्स आ सकते हैं एविडेंस के तौर पे। अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं ये तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते हैं, तो क्यों इन्हें एविडेंस के तौर पे नहीं माना गया। देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी जब हम अपने संविधान के बारे में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ग्राउंड नॉर्म है, ग्राउंड नॉर्म है, यानी इट इज लॉ ऑफ ऑल द लॉज, और जितने भी लॉज बनेंगे वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होने चाहिए। अगर कोई लॉ ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है तो जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो उन लॉज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में हुआ क्या, फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को ये ऑर्डर दे दिया था, ये अनुमति दे दिया था, परमिशन दिया था कि आप अपने वाइफ का कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो और उसे बतौर एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हो। जब लोअर कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का कॉल रिकॉर्ड करना बिना उसके अनुमति के, बिना उसके कंसेंट के, ये उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। अब देखो इस केस के कंटेंट को चलिए समझते हैं। हुआ ये था कि एक पत्नी ने अपने पति से मेंटेनेंस पाने को लेकर के फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था, जिस पर पति ने पत्नी पर यह कहते हुए कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है दूसरे पर्सन के साथ, इसलिए मैं इसे मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं हूं, और पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को साबित करने के लिए पति ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग फैमिली कोर्ट में दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। लोअर कोर्ट ने कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की अनुमति भी दे दी। एडवोकेट वैभव ए गोवर्धन ने बताया कि करीब 10 साल पहले महासमुंद जिले में महिला की शादी हुई थी। कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। डाइवोर्स के बाद ही आप मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हो। अब साल 2019 में
सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए पत्नी फैमिली कोर्ट में पटिशन दायर करती हैं। कोर्ट में पति ने ये आर्गुमेंट दिया कि पत्नी का दूसरे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। इस पर फैमिली कोर्ट ने सबूत पेश करने के लिए कहा। तब पति ने अपनी पत्नी की मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की अनुमति मांगी। फैमिली कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2021 को कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की अनुमति दे दी। इसके बाद महिला यानी पत्नी ने फैमिली कोर्ट के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। उसने ये तर्क दिया कि उसकी अनुमति के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग करना उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। महिला की तरफ से एडवोकेट ने निजता के अधिकार पर दिए गए जो फैसले हैं उनका भी हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किसी भी व्यक्ति के जानकारी के बिना उसकी कॉल को रिकॉर्ड करना गलत है। लिहाजा फैमिली कोर्ट के इस आदेश को खारिज किया जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद माना कि किसी भी शख्स की बातचीत उसके इजाजत के बगैर रिकॉर्ड करना उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है और इसी टिप्पणी के साथ फैमिली कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्कोप है वो वॉइडर है और चूंकि राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी में कोई भी चीज़ें सीधी सीधी नहीं कही गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए समय समय पर कोर्ट्स क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी पर्सन का कॉल रिकॉर्ड करते हो बिना उसके अनुमति के तो ये क्या है, ये गलत है, ये उसके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है और ये एक ऑफेंस है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।